और मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने अक्षय पात्र प्रतिष्ठान की 67वीं रसोई का उद्घाटन किया। वहीं स्कूलों में बच्चों को मिले यहाँ पर मिड डे मील भी, यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इस पूरी योजना को रवाना किया गया। और इस मौके पर मणिपुर बंगाल में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक हरकतों पर भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो बड़ा घिनौना है, हम सरकार से कहेंगे कि इन पर रोक लगनी चाहिए। तो अक्षय पात्र की 67वीं रसोई का उद्घाटन यहाँ पर सांसद हेमा मालिनी की तरफ से किया गया है और साथ ही मणिपुर में हुई घटना पर भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। आज अक्षय पात्र का उद्घाटन बरसाने के इस जगह में हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर अक्षय पात्र बहुत ही मशहूर है, बहुत सालों से वो चल रहा है, लेकिन बरसाना में ये पहला एक जगह पूरा बनाया है स्टेट ऑफ द आर्ट के हिसाब से। और बच्चों का एकदम साफ सुथरा खाना स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। जो जो अक्षय पात्र पहले इस्कॉन के लोग करते हैं, ये इस्कॉन के डिवोटीज ये सब मिलकर करते हैं। अक्षय पात्र जो भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान है वो देखिए। ये हमारा 67th किचन है, ये बरसाना जो राधा रानी का जगह है इधर इनॉग्रेट हुआ है। इसके लिए इनॉग्रेशन के लिए श्रीमती हेमा मालिनी जो हमारा सांसद है, मथुरा का सांसद है, वो आई थी जस्ट इनॉग्रेट हुआ है। ये जो किचन जो है एक स्पेशल फीचर ये है कि ये समुदाय किचन होगा, कम्युनिटी किचन होगा, जहाँ पर हम लोकल कम्युनिटी के लिए, लोकल बच्चों के लिए, जो विस विलेज के लिए, जो आजनों के जो विलेज है इसके आसपास उन बच्चों के लिए मड्डी मिल खिलाएंगे। और उसके लिए हम सिर्फ महिलाओं को हम एम्प्लॉय करेंगे, जो कुकिंग है, ड्राइविंग है और क्वालिटी है, स्टोर से सब कुछ ये महिला ही इस किचन को चलाएगी।